गाइस वेलकम टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है कि आपको पीएचडी का ऑफर आ चुका है, मतलब पीएचडी के लिए मौका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या, उन सबको एक एक करके देखेंगे बहुत शार्ट में। ओके, तो डेट देख सकते हैं कब इन्होंने मतलब इसको रिलीज़ किया है और ये इसका जो है कि ऑफिशियल फाइल संख्या है जो भी है। ठीक है, सीधे चलते हैं। इंग्लिश बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, वैसे हिंदी में भी समझ में आता है पर इंग्लिश थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर विथ हिंदी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर हेल्प डेस्क है। अगर कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर जो है कि फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पूछताछ के लिए संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइमिंग उन्होंने दिया है कि 9 AM टू 5:30 PM तक आप इनको कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, ये 60 उसका फॉर्म है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपके पास 55% होना चाहिए, मास्टर में आपके पास 55% होना चाहिए, ये इनकी जो है कि एलिजिबिलिटी है। फॉर द SST OBC नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग कैंडिडेट्स देर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, मतलब अगर इन लोग का 50% मतलब 5% भी रह कम रहेगा तब भी चल जाएगा, मतलब 50% भी इनका चल जाएगा। आगे देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सब्जेक्ट में देखिए मैनेजमेंट है, टूरिज्म, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम सीधे पहले आते हैं हिस्ट्री में, चूँकि यहाँ पर आर्कियोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए मास्टर में। यहाँ पे आर्कियोलॉजी या एंशियंट हिस्ट्री का डिमांड नहीं है, बात समझ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी सामने है तो आप आराम से देख सकते हैं कि किसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आगे अगर आपको फॉर्म फिल करना है कितना लगेगा उन सबके बारे में अब आगे देखते हैं। सब्जेक्ट यही सब है, पंजाबी है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ भी है, जम्मू कश्मीर स्टडीज़ है, विजुअल आर्ट्स से बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सामने है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। अब देखते हैं आगे क्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि द कैंडिडेट्स हु हैज़ पास्ड एनी वन ऑफ फॉलोइंग टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश एंड नीड नॉट टू अपियर इन एंड क्वालिफाई द एग्जाम हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है कि नेट किया है या सेलेक्ट किया है तो आप जो है मतलब आपको इनका जो एग्ज़ाम है वो देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप इंटरव्यू देंगे। ओके, इधर ये क्या कह रहे हैं, अ सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट टू कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा बाय सिक्योरिंग मिनिमम 55% अगर आप पाएंगे मार्क्स फॉर 45% SST OBC नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग कैंडिडेट्स। दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड 2 ईयर, बात समझ रहे, 2 साल तक ये वैलिड रहेगी एंड विल बी कंसिडर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर PhD एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अप टू 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ये इनकी कहानी, आप इनको देख लेना। बाकी बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। ये कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, मतलब कह रहे हैं वहाँ पे 2 पेपर होगा। ठीक है, एक जनरल एप्टीट्यूड का होगा और सेकेंड होगा जो है कि सेकेंड पेपर जो है 60 मार्क्स का होगा और फर्स्ट भी 60 मार्क्स का है, टोटल 120 मार्क्स है। तो आप देख लेना। इसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो अगर आपका NET GRF नहीं भी है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ये इससे एक बात क्लियर होती है। और अगर आपका NET GRF है तो आपको यहाँ पर छूट है। बाकी सामने फिर वही सब्जेक्ट है, किन किन सब्जेक्ट में लेते हैं उन सब के बारे में इन्होंने दे रखा है, जैसे मैनेजमेंट है, फ्रंट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको देख लेना। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग द हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा शैल नॉट मीन दैट द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट इन PhD हैज़ बीन कन्फर्म, मतलब अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन इन PhD प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अप टू 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आप समझ रहे हैं। 2 साल तक आप ट्राई करते रहेंगे, मतलब 2 साल तक चलता रहेगा प्रोसेस
ये भी कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझो कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, हो ही गया ऐसा आप मत मान के चलिए, ये कह रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो है आपका 400 रुपीज़, ओबीसी के लिए 300, एसएसटी के लिए, एसएसटी प्लस दिव्यांग के लिए जो है कि 100 रुपीज़ है, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पे, शायद आप इस पे जो है विजिट कर सकते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, जो भी मतलब इनका क्राइटेरिया हो। जो नोटिफिकेशन डेट्स है वो देखते हैं, डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 29 को, मतलब 29 को आया हुआ है, 29 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 सितंबर, राइट। और उसके बाद जो है डेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा 26 को है, मतलब 26 तारीख को इनका, 26 सितंबर को इनका जो है कि एग्ज़ाम होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 को, मतलब 30 तारीख को ये डिक्लेयर कर देंगे कि रिजल्ट क्या हुआ, आप पास हुए या फेल हुए। फिर मैं एक बार कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि अगर पास भी हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया, और प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इनकी वेबसाइट है, वही कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको ऊपर बताया है करने के लिए, वही चीज़ें आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।